पुलिस थाना कोलासर द्वारा अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 3,48,90,000 रुपए की चरस को जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर शिवपुरी के कोलारस थाना से है, जहां प्रभारी जितेंद्र चंदेलिया थाना कोलारस को दिनांक 19 मई को दौराने मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति, जिसमें 1-2 पुरुष और 1 महिला, पडोरा पुल चौराहा कोलासर के नीचे अपने अपने बैगों में चरस रखे हुए हैं, जो कहीं जाने के लिए साधन के इंतजार में खड़े हैं। मुखबिर की सूचना पर आरोपी अवधेश दास पुत्र प्रकाश दास, उम्र 40 साल, निवासी बरमपुड़ी थाना गोर जिला राठहाट नेपाल, हाल घोड़ा सहन पकरी टोला पूर्वी चंपारण थाना घोड़ा सहन जिला मोतिहारी बिहार के कब्जे से 12 पैकेट चरस, मादक पदार्थ वजन 6 किलो 28 ग्राम और सुनील कुमार पुत्र राजेश्वर दास, उम्र 25 साल, निवासी घोड़ा सहन पकरी टोला पूर्वी चंपारण थाना घोड़ा सहन जिला मोतिहारी बिहार के कब्जे से 10 पैकेट चरस के अवैध मादक पदार्थ वजन 5 किलो 164 ग्राम और आरोपी बबीता देवी पत्नी अर्जुन प्रसाद, उम्र 45 साल, निवासी गोपालगंज बस स्टैंड थाना गोपालगंज जिला गोपालगंज बिहार के कब्जे से 12 पैकेट चरस, मादक पदार्थ वजन 6 किलो 253 ग्राम का वजन सत्यापित तोल कांटे से कुल 17 किलो 445 ग्राम कीमत करीब 3,48,90,000 रुपए बिहार से अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है। और बिहार से अवैध मादक पदार्थ, आपको बता दें कि अवैध मादक पदार्थ चरस को मध्य प्रदेश में खपाने आए आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना कोलारस पर NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उनके द्वारा 17 मोतिहारी बिहार के रहने वाले नेपाल का रहने वाले मोनू नामदेव की रिपोर्ट।